हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोभी हेयर सॉल्यूशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा चॉकलेट ब्राउन हेयर कलर। गाइस, जैसे कि आपके सामने बिफोर टेक्चर है, अब देखिए आफ्टर में कितना इनहेंस ये कलर हो रहा है। ठीक है, ये मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर किया था एंड आपको काफ़ी अमेजिंग कलर लगने वाला है। ये इसका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है कि करते कैसे हैं, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैं अपने चैनल पे गाइस ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। गाइस, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने के लिए सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। जो हम यूज़ करेंगे आज, वो करेंगे मैजरेल, लॉरियल की कंपनी है गाइस, उसका कलर हम यूज़ करेंगे चॉकलेट 4.35। मैं आगे प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर, चलिए गाइस मिलते हैं प्रोसीजर के अंदर, लेट्स गो। हमने गाइस लॉरियल ऑक्सीडेंट यहाँ पे जो हम बोलते हैं 6% का मतलब है गाइस 20 वॉल्यूम, ठीक है। और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे मैजरेल की ट्यूब जो कि है 4.35, ठीक है। आज हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे 4.35 एंड 20 वॉल्यूम से हम ये कलर करने वाले हैं, जो कलर अभी मैंने आपको हाईलाइट्स में दिखाया था। इसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस, ये देखिए 5.35 एंड 4.45 एंड फर्स्ट में आप देखोगे 4.35, ठीक है गाइस। ये देखिए गाइस, अब जो हमने यूज़ किया था कलर वो किया था 4.35, ठीक है, ये क्लियर हो चुकी है बात। अब हम इसको यूज़ करेंगे 20 वॉल्यूम से। गाइस, जो हमारे सामने बिफोर टेक्चर है वो है 4 नंबर के हेयर, ठीक है, मीडियम ब्राउन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम सिंपली सेक्शन बाय सेक्शन 20 वॉल्यूम एंड 4.35 ट्यूब मिक्स करेंगे, जिसका रेशो होने वाला है 1:1.5। अगर हमारे पास 20 ग्राम ट्यूब है तो हमें 30 ग्राम इसका वॉल्यूम लेना है मिक्स करके, मतलब 1.5 गुना इसका वॉल्यूम लेना है, 20 ग्राम हमें इसकी ट्यूब लेनी है, ठीक है। अगर 20 ग्राम हमारी ट्यूब होगी तो 1.5 गुना इसका वॉल्यूम होगा, मतलब 35 ग्राम इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सेक्शनिंग निकालनी है। हमें सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन निकालना है, फिर रेडियल सेक्शंस निकालना है, फिर उसके बाद हमें डिपॉजिट करना, इसको स्टार्ट कर दिया है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने डिपॉजिटिंग करना इसका एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से गाइज फाइन फाइन सेक्शन लेना है, और फाइन सेक्शन लेने के बाद हमें जो हमारा कलर है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। ये देखिए गाइस कितने आराम से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। गाइस, हमने सबसे पहले शैम्पू किया है, शैम्पू करने के बाद 100% ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद हमने वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम एंड हमने जो ट्यूब ली है 4.35 के साथ हमने मिक्स किया है 20 वॉल्यूम 6%। गाइस, मैं बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल को सिर्फ आपको ये करना है कि मेरे चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, जिससे सबसे पहले मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बहुत ही गाइस इजी तरीका बताता हूँ, ये मैं सलून में यूज़ करता हूँ। ट्यूब्स लॉरियल के साथ मैंने काम किया है, शोस्कोफ कंपनी के साथ मैंने काम कर रखा है, और जिस जिस कंपनी का भी मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा सटल कलर बताता हूँ। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट्स ये होनी चाहिए कि आपको जो भी कलर चाहिए तो आपके हेयर भी उसी नंबर का होना चाहिए। 4 नंबर के अगर हेयर हैं, ठीक है, तो हम 4.35 उस पर डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट केमिकल। इनका हेयर था, ये वर्जन हेयर था, ठीक है, आज से पहले इनके हेयर पे कुछ भी एप्लीकेशन नहीं हुई हुई थी, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पहले देखनी होती हैं, ऐसे ही गाइस आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐसे ही आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही अमेजिंग कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था बिफ़ोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा इन्हेंस कलर आया था गाइस, अमेजिंग रिज़ल्ट आता है। ये कलर है वॉर्म कलर, ठीक है, जो हमारी सनलाइट में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कलर दिखता है, एकदम सेटल लुक। आप इसको ऑफिस लाइन में भी कैरी कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी पे काफ़ी अच्छा लगेगा ये कलर। इसके साथ कि आप गाइस हाइलाइट्स ले सकते हो, आप सिंगल शेड भी ये करा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
आई होप कि गाइज ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छे लगने वाली है। अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आपको समझाता हूँ। मैं अपने चैनल को सिर्फ, मेरा टारगेट बस यही है कि मैं अपने चैनल से सभी की हेल्प कर सकूं, और जिसके पास पैसे नहीं हैं जो कोर्सेज के लिए, जो अभी हमारे सैलून इंडस्ट्री के अंदर न्यू एंट्री कर रहे हैं ड्रेसर्स वगैरह, ठीक है, जिनको अभी नॉलेज नहीं हो, प्रॉपर मेरे चैनल से नॉलेज ले सकें, और या जिसने अभी सैलून स्टार्ट किया है, अपना न्यू सेटअप स्टार्ट कर रहा है और उसको थोड़ी नॉलेज है और प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, वो मेरे चैनल से नॉलेज क्रिएट करके अपने क्लाइंट को हैप्पी कर सके। ओके गाइस, सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है, फ्री में सब्सक्राइब करना होता है गाइस, सिर्फ आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करना है, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना है, जिससे फ्यूचर में सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, आप इंजॉय करिए वीडियो, बाय बाय। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been